तो सबसे पहले मैं फेस को ड्रॉ करने के लिए मैं एक 3 रुपए वाली अप्सरा की पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूँ। और शेडिंग करते करते मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि मुझे लाइट से डार्क शेडिंग करना है। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद मुझे एक ब्रश की सहायता से मैं इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रहा हूँ। फिर आइस को ड्रॉ करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। फिर और भी डार्क करने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। धीरे धीरे जहाँ पर भी डार्क एरिया है मैं उसे 8B पेंसिल की सहायता से डार्क करूँगा। और जहाँ पर आइस के नीचे जो भी डार्क एरिया है उसे मैं हर तरह की पेंसिल की सहायता से लाइट टू डार्क सेट करूँगा। और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करके मैं उसे कंप्लीट करूँगा। मैं इस आईज के ऊपर हाइलाइट्स जो भी एरिया है उसे मैं ड्रॉ करने के लिए इरेजर की सहायता से मैं वहाँ पर हाइलाइट्स एरिया को इरेज कर दूँगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मैं आईब्रोज को बनाने के लिए मैकेनिकल पेंसिल और 8B पेंसिल का ही यूज़ करूँगा। 8B पेंसिल की सहायता से मैं उसे डार्क करूँगा और आईज के ऊपर वाले हाइलाइट एरिया को मैं इरेजर की सहायता से इरेज करके हाइलाइट एरिया को ड्रॉ करूँगा। और इसे ब्रश की सहायता से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जहाँ पर भी मुझे लगता है कि और हाईलाइट होना चाहिए वहाँ पर अप्सरा की पेंसिल का यूज़ करके हाईलाइट्स कर रहा हूँ। जैसे आप सभी दोस्तों कभी भी है अगर शेडिंग कर रहे हैं तो लाइट टू डार्क की शेडिंग करें, जिससे हमारी ड्राइंग अच्छी बन पाती है और कोई गड़बड़ भी नहीं हो पाता है। जहाँ पर भी फेस किए हैं फिर हाइलाइट्स एरिया है वहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करके हाइलाइट कर रहा हूँ। अब इसे मिक्स करने के लिए मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने खुद घर पर बनाया है। और उसी सेम प्रोसेसर की सहायता से मैं इस आईब्रोज को भी ड्रो कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके और 8B पेंसिल का यूज़ करके। मैं आइज को 8B पेंसिल की सहायता से मैं डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आइज ज़्यादातर डार्क ही होती है और इसे हाई डार्क करने के लिए मैं 8B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पर भी डार्क एरिया है वहाँ पर पहले मैं लाइट डार्क करके फिर 8B पेंसिल का यूज़ करके ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। आइज के नीचे वाले पार्ट को मैं अप्सरा पेंसिल की सहायता से ही लाइट टू डार्क शेडिंग कर रहा हूँ और हाईलाइट वाली जगह को मैं शेडिंग नहीं कर रहा हूँ। फिर इसे मैं पेपर स्टम्प की सहायता से मिक्स करने कर रहा हूँ। और जहाँ पर भी मुझे डार्क एरिया दिख रहे हैं वहाँ पर मैं अप्सरा की ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। 8B पेंसिल का यूज़ बहुत ही मैं कम कर रहा हूँ, अप्सरा पेंसिल की ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ। और आइज के ऊपर वाले पार्ट को हाईलाइट करने के लिए मुझे एक इरेजर की आवश्यकता पड़ी, जिसकी सहायता से मैंने उसे हाईलाइट एरिया को हाईलाइट कर दिया और उसे पेपर स्टम्प या ब्रश की सहायता से मिक्स कर दिया। हेड पर जो भी लाइनिंग बनी हुई है उसे मैं हल्का ड्रॉ करके डार्क कर दिया और उसे पेपर स्टम्प की सहायता से मिक्स करने के बाद और आगे बियर्ड की ओर बढ़ा। बियर्ड को अप्सरा की पेंसिल की सहायता से हल्की शेडिंग करके मैं उसे ब्रश की सहायता से मिक्स कर दिया और फिर मैं 8B पेंसिल की सहायता से बियर्ड को ड्रॉ कर रहा हूँ और धीरे धीरे कर रहा हूँ। फिर और भी ज़्यादा हेयर को दिखलाने के लिए अच्छी तरह से हेयर को दिखलाने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और ज़्यादातर डार्क नहीं करना है आपको, लाइट ही बियर्ड को डार्क करना है। फिर धीरे धीरे आपको आवश्यकता के हिसाब से डार्क करते जाना है।
बियर्ड को पूरी तरह कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप सभी आराम आराम से करिए। ये ज़्यादा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपका बियर्ड बढ़िया से ड्रो नहीं हो पाता है और अच्छा नहीं दिख पाता है। बियर्ड को आराम से धीरे धीरे लाइट टू डार्क ड्रो कीजिए, जिसकी सहायता से आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक बन पाएगी। बियर्ड को धीरे धीरे कंप्लीट मैं करने वाला हूँ और कंप्लीट होने के बाद मैं लिप्स को अप्सरा की पेंसिल की सहायता से हल्की शेडिंग करके के उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगा और फिर टीथ को भी हल्की सी शेडिंग कर दूंगा ताकि वो भी हल्का हल्का रियलिस्टिक दिखे। लिप्स के आउटलाइंस को मैं फिर से शेड कर रहा हूँ और ड्रो कर रहा हूँ उसे मैकेनिकल पेंसिल की सहायता से ताकि उसकी लाइनिंग्स क्लियर दिख पाए। लिप्स में जो भी हाइलाइट्स एरिया है वहाँ पर मैं एक इरेजर की सहायता से मैं उसे हाइलाइट्स एरिया की जगह को इरेज करके मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी ड्राइंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत और टाइम लगा है। और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।